हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन करने से क्या बेनिफिट होता है और हम पैरेलल ऑपरेशन कैसे करेंगे, क्या क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो नोट्स है, इसका जो इलेक्ट्रिकल मशीन वन का जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ, वो अभी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में अभी अवेलेबल है। आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, पहले किसी भी ब्राउजर पे जाइए। ब्राउजर में जो यूआरएल है, ठीक है, वो उस यूआरएल में आप सर्च कीजिए site.google.com/view/electrical-gk, ठीक है, ऐसे एक हाइपेन रहेगा इलेक्ट्रिकल जीके। तो इस यूआरएल को सर्च करने से हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि दिखेगा इस तरह से दिखेगा ये। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर एक इवेंट इवेंट का ऑप्शन है, तो इवेंट में जो भी चल रहा होगा इवेंट हमारा, तो वहां पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कोई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हो रहा है तो इस इवेंट में ये शो करेगा, ठीक है। तो आप अगर मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो उसका व्यू कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो तीन डॉट है, ठीक है, इसको पहले क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से क्या आ जाएगा, देखो ना, ये वाला पेज आ जाएगा। तो इस पेज में आपके पास सारे बटन यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें जो बटन अवेलेबल है वहां पर भी वही वही वाला बटन अवेलेबल है। ये जो स्टडी मटेरियल है, इस लिंक में क्लिक कर सकते हैं। जो लैपटॉप में डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा ना, क्लास वाइज आपके पास जो भी क्लास वाइज नोट है मेरा वो आ जाएगा आपके पास। तो ये है डेस्कटॉप में, ऐसे दिखाएगा डेस्कटॉप व्यू में, और ये हमारा मोबाइल व्यू में ऐसे ही शो करेगा। तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते। तो अब शुरू करते हैं ना, पैरेलल ऑपरेशन करने से हमारा जो प्लांट में क्या बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या बेनिफिट रहता है ना, वो बोल रहा है कि कंटिन्यूस ऑफ सर्विस। तो कंटिन्यूस सर्विस क्या है ना, सपोज मान कि एक है जनरेटर वन है और एक जनरेटर टू है, वो क्या हुआ है ना, पैरेलली कनेक्शन हुआ है। तो जनरेटर वन और जनरेटर टू दोनों क्या कर रहे थे ना, दोनों मिलकर एक लोड को सप्लाई दे रहे थे। तो ये जब एक कोई भी मेंटेनेंस हो या फिर कोई वजह से एक जनरेटर टू क्या हुआ ना, डैमेज हो गया, तो इसको हम ऑफ करके क्या कर सकते हैं ना, हम जनरेटर वन से ही हम क्या कर सकते हैं ना, लोड को हमारा चला सकते हैं, है? तो ये क्या हो गया ना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, हम सप्लाई पा रहे हैं। अगर एक ही जनरेटर होता, एक ही जनरेटर होता और हम लोड के साथ कनेक्ट कर किए हैं उसको, जनरेटर वन को, तो सपोज जनरेटर वन क्या हो गया ना, किसी वजह से डैमेज हो गया, तो उसमें क्या होगा ना, हमारा ये लोड चल नहीं पाएगा और हमारा जो प्लांट का काम है वो क्या होगा ना, रुक जा सकता है, ठीक। तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन करने से ये हमारा बेनिफिट है कि हम कंटिन्यूसली सर्विस हमें मिल सकता है। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सेम चीज है, क्या है ना, सपोज जनरेटर टू का कुछ रिपेयरिंग जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में हम जनरेटर टू को ऑफ करके रिपेयरिंग का काम कर देंगे, जब ये ठीक हो जाएगा फिर से उसको कनेक्ट करके चला, उसको पैरेलली कनेक्शन करके लोड को सप्लाई दे सकते हैं। तो उस टाइम में क्या होगा ना, जनरेटर वन हमारा सप्लाई देगा लोड को, ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला हो गया। देन इंक्रीज द प्लांट कैपेसिटी, तो इसके वजह से तो प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्या ना, करंट का कुछ मतलब जनरेशन हमारा बंद नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी, इसके वजह से एफिशिएंसी हमारा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या ना, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर। तो ये जो मैं चार बेनिफिट बताया ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जितना भी डीसी जनरेटर है सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, हमारा डीसी शंट जनरेटर हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं डायग्राम करता हूँ डीसी शंट जनरेटर का, कैसे ये पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर बस बार ले जा रहा हूँ, ठीक है, जिस बस बार में क्या होगा,
ना दो जनरेटर कनेक्टेड हो। मैं दो जनरेटर का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है दो से ज्यादा भी जनरेटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया स्विच लगा दिया एक, और एक यहाँ पर एमिटर लगाया हूँ, और ये हमारा डीसी शंट जनरेटर है, ये आर्मेचर है उसका, ये फील्ड वाइंडिंग, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये जनरेटर वन हो गया, ठीक है। तो जनरेटर इसका स्विच का नाम क्या है ना एस दे देते हैं, तो जनरेटर टू यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर एक एमिटर लगा दिए, जनरेटर ये टू है, ये उसका फील्ड वाइंडिंग, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये क्या हो गया ना जनरेटर टू हमारा हो गया ना? तो यहाँ पर एक क्या है ना वोल्ट मीटर का यूज किया, ठीक है, पालालाल में रहता है वोल्ट मीटर। तो ये हो गया स्विच दे देते हैं, स्विच नाम दे देते हैं एस वन दे देते हैं। तो देखो इधर कंडीशन, पहला कंडीशन ये क्या है ना, ये हमारा कोई लोड इसके साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों जो जनरेटर है उसके साथ में है, यहाँ पर कोई लोड इसके साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए ना। जनरेटर वन को हम रेटेड स्पीड में रोटेट करेंगे ना, और स्विच एस को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। जनरेटर वन को क्या करेंगे ना रेटेड स्पीड में रन करेंगे, देन स्विच वन को हम क्या करेंगे ना क्लोज कर देंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे ना जनरेटर टू को हम रन करेंगे रेटेड स्पीड में, एंड उसको एडजस्ट करेंगे, उसको जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रहा है यहाँ पर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको हम एडजस्ट करेंगे, जैसे कि ये क्या ना ये बस बार के वोल्टेज के साथ इक्वल रहे, ठीक है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा ना, यहाँ पर जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर जो सेम करना है ना, ये वोल्टेज और इस वोल्टेज को सेम करना है, तो इसीलिए क्या होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस जो ये हम वोल्ट मीटर हम लगाए हैं उसमें क्या होगा ना रीडिंग हमारा जीरो जैसे कि शो करेगा। तो जीरो को शो करने से क्या ना वोल्टेज दोनों सेम हो जाएंगे, बस बार का वोल्टेज और हमारा जो इंड्यूस जनरेट हो रहा है जो वोल्टेज वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम होने से ही हमारा क्या कर सकते हैं ना हम इसको स्विच एस वन को हम क्लोज कर सकते हैं, ये कंडीशन है। ये सेम होगा तभी जाके क्या होगा ना हम बस बार बी में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा ना, हमारा जो पोटेंशियोमीटर लगा है वोल्टमीटर लगा है तो वहां पर वो रीडिंग दिखाएगा जीरो जैसे कि दिखाएगा, ठीक है। अब जब जीरो दिखा दिया, अब इसको क्या किया ना कनेक्ट कर दिए हम बस जो एस वन स्विच को हम क्लोज कर दिए, तो इसका मतलब अब क्या हुआ क्लोज करने के बाद ना जनरेटर वन एंड जनरेटर टू वो पैरेलली कनेक्टेड हो गया, ठीक है। पर अब क्या होगा ना हमारा जो जनरेटर टू है उसमें करंट कुछ फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है यहाँ पर, तो जीरो होने से करंट कुछ फ्लो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो फील्ड है ना उसको हम वेरी करके इसका वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसको वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या होगा ना करंट हमारा फ्लो करना शुरू होगा। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं ना जो जनरेटर वन है उसका भी हम जो वोल्टेज है उसको भी हम एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसको एडजस्ट करके हम इस दोनों जनरेटर में कितना कौन कितना लोड उसको चाहिए वो लोड हम उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर लोड शेयरिंग कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो कि ये उसका थ्योरी है, मैं जो भी बताया इस पांच स्टेप में ही ये, तो इसका नोट भी मैं दे दूंगा, हमारे वेबसाइट में भी आ जाएगा। तो अब देखते हैं लोड शेयरिंग, ठीक है। तो लोड शेयरिंग में हम क्या करेंगे ना कैसे होता है ना, देखो लेट लेट लेंगे E1 and E2 को हम क्या ले जाएंगे ना नो लोड वोल्टेज, ठीक है, नो लोड वोल्टेज इसको ले जाएंगे ऑफ टू जनरेटर। देन और क्या लेंगे ना R1 and R2 को हम क्या ले जाएंगे ना आर्मेचर
रेजिस्टेंस ले जाएंगे, ठीक है, दो जनरेटर के लिए अलग अलग ले जाएंगे। हाँ, और भी हमारा क्या होगा ना, बस बार टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर क्या किए थे ना, पहले बताया था जब लोड शेयर कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे ना, जो वोल्टेज को हम एडजस्ट कर रहे थे, मतलब जनरेटर वन को कुछ लोड दे देंगे, जनरेटर टू को हम कुछ लोड दे देंगे, क्योंकि सब मतलब मान लो कि हमारा टोटल जो लोड है वो हमें 50, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 50 किलोवाट चाहिए। तो जनरेटर वन को ऐसे सेट कर लो कि ये 30 किलोवाट दे देगा, और जनरेटर टू जो है वो कितना दे देगा ना, जो बच गया 20 किलोवाट दे देगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये दोनों के बीच में लोड को वो शेयर कर लिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझाया, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा। तो दोनों मिलकर इसको चला देंगे, करंट जो है वो कैसे निकलेगा ना, I2 जो करंट है जनरेटर 2 के लिए वो कैसे निकलेगा ना, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। देन करंट I1 जो जनरेटर 1 के लिए है वो कैसे निकलेगा, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। इस तरीके से दोनों का जो करंट है वो हम निकाल सकते हैं, और पता भी यहीं से लग जाएगा कौन कितना लोड शेयर किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ये हमारा जो डीसी जनरेटर है ये है उसका लास्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या शुरू करेंगे ना, डीसी मोटर हम शुरू करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।